हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकले न्यू वैकेंसी के बारे में। इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपके लिए कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ है दोस्तों, आपको कौन कौन से पोस्ट में सिलेक्शन मिलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इन सभी प्रोसेस के बारे में भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और आपके एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है उन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एयर डिफेंस क्लास की मेन वेबसाइट पर। दोस्तों फाइनली एयर डिफेंस क्लास की वेबसाइट पर पहुंच गए हैं। अब हम लोग जानेंगे बिहार BFFE स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो जानते हैं पोस्ट नेम, यहाँ पर इसमें आप लोग देखने को मिल जाएगा स्टेनोग्राफर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट देखने को मिल जाएगा, इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर का। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों 15 मई 2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट जो रहेगा इसका 13 जून 2023 को रहेगा। वहीं जानते हैं फीस पेमेंट के डेट को, तो वो भी 14 जून तक रहेगा दोस्तों, इसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है फीस पेमेंट करने के लिए। वहीं जानते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जनरल OBC EWS वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनको दोस्तों ₹540 पे करना पड़ेगा। SC ST और जो दिव्यांग कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट दिव्यांग है या SC और ST से बिलोंग करते हैं, उनको ₹135 पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी जो है एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। जानते हैं यहाँ पर जॉब लोकेशन के बारे में, आप बिहार से हैं तो ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यह बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही यह वैकेंसी आई है। दोस्तों एज लिमिट के बारे में जानते हैं, 1 अगस्त 2022 में आपका एज जो है वो 18 से 37 वर्ष के बीच में रहना चाहिए, 18 से कम भी नहीं रहना चाहिए और 37 से अधिक भी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अब चलिए जानते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल को जानते हैं, जो कि इसमें 225 पोस्ट है और जो इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर का है उसमें 7 पोस्ट दिया गया है। दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को जानते हैं, तो जनरल OBC और SC ST में कितना कितना पोस्ट अलॉट हुए हैं इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जनरल वाले को 37 पोस्ट दिया गया है, EWS वाले जो स्टूडेंट है उनको 8 पोस्ट और BC में 40 और EBC में 66 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। वहीं BC फीमेल में 13 पोस्ट दिया गया है, 13 पोस्ट दिया गया, SC में 64 पोस्ट दिया गया है और यहाँ पर बात करेंगे ST की तो 4 पोस्ट दिया गया है उसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो आप सिंपल 12th पास रहना चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दिया गया है। वहीं बात करेंगे स्टेनोग्राफर की, तो दोस्तों इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर की बात करें तो आपके पास ITI का NCVT का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा विथ स्टेनोग्राफर आपको 80 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर आना चाहिए और इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट दोस्तों आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म कैसे फिलअप करना है चलिए उन सभी प्रोसेस को जानते हैं और इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। तो आपके पास रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन अदर होगा दोस्तों, PET PhD अदर किया जाएगा। चलिए जानते हैं फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे यहाँ पर आप डायरेक्ट बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेन वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर पाओगे। चलिए हम लोग भी पहुँचते हैं डायरेक्ट मेन वेबसाइट पर।
जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे यहाँ पर आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेन वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आप लोग इसको क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करके। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप लॉगिन भी कर सकते हो। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करिएगा और सभी प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर आगे जो प्रोसेस आएगा आप करते जाओगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर दो, उन लोगों को भी बता दो कि न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई है, जो कि उन लोगों को भी फिलअप करना चाहिए और अपना गवर्नमेंट जॉब की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।